आईटी इंडेक्स पर निफ्टी आईटी एक बार फिर से एट डेज हाई और उसको लीड कर रहा है इस समय इन्फोसिस का स्टॉक। इन्फोसिस में शानदार ब्रेकआउट इस समय और बाकी के आईटी स्टॉक्स भी उसी तरीके से चलते हुए। बैंक निफ्टी दूसरी तरफ कोलैप्स किया और डे लो पर आ गया। आज वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की अलॉन्ग विद फिन निफ्टी। अभी भी हालांकि जो अपना ऑप्शन जोन है और जो लोअर लेवल का जोन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है 52,350 के आसपास। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स आते हैं, लेकिन क्लियरली पिछले कुछ मिनटों का मूव आईटी शेयरों के नाम पे। जी हाँ, तो ये है अभी तक का एक्शन। बीते 20 मिनट जो हैं वो आईटी को बिलोंग करते हुए मेरी स्क्रीन पे सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स और एकल फाइनेंशियल्स को लेके आइए स्क्रीन पर। अभी बात हुई थी कुछ देर पहले 2.5% ऊपर, उसके बाद लेके आइए आप एम्फेसिस मिड कैप आईटी में क्या गजब का मूव, 2748 डे हाई को स्ट्राइक करता हुआ और एक टिपिकल फ्लैग पर फ्लोट करता हुआ। सारी मिड कैप आईटी की स्ट्राइक्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। हम आएंगे इस पे, ट्रेड्स पिक करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं पहले मेहमानों से बातचीत कर लेते हैं। कविता जैन, राजेश पालविया पिछले कार्यक्रम से यहाँ पर भी हैं और विकास आलू के रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स है जिसमें शुरुआत मैं भी आईटी से ही करूंगा क्योंकि वहां पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। परसिस्टेंट सिस्टम्स वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी मिड कैप आईटी स्पेस में से, जहां पे रिसेंटली काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है और ये अपट्रेंड का कंटिन्यूएशन के ही साइंस है। तो करंट लेवल्स पे परसिस्टेंट में खरीदारी कर सकते हैं 4750 के स्टॉप लॉस से, 5120 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। और HUL मेरी सेकंड पिक रहेगी जहां पे खरीदारी की सलाह है, जहां पे भी एक रीसेंट करेक्शन के बाद में स्टॉक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव इंप्रूविंग वॉल्यूम्स के साथ में दिखा रहा है। सो आई थिंक यहां पे थोड़ा एक ये मोमेंटम पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रहेगा। 2620 के स्टॉप लॉस से HUL में खरीदारी करें 2720 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये इस समय फ्रेश पिक्स रुचित की तरफ से। विकास को भी जोड़ लेते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स? गुड मॉर्निंग आनंद जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि इसमें आईटी सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। इंफोसिस मुझे अभी भी लगता है कि जो लास्ट कुछ दिनों से अपमूव कंटिन्यू कर रहा है वो यहाँ पे करते हुए देखने मिलेगा। वीकली चार्ट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, तो मुझे लगता है वापस ये नए ब्रेकआउट पे आ चुका है और मुझे लगता है ऊपर में 1840 के आसपास के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट कर सकते हैं। ऊपर में अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा नीचे की तरफ 1670-80 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा कि इसको बाय करना है 1840 के आसपास का। मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में एक फ्रेश ब्रेकआउट 60 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है अपसाइड में 1210 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में 1135 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर को बाय कर। टाटा कंज्यूमर भी आपकी कॉल्स में शुमार है, इस वक्त डीआई पे ट्रेड करता हुआ। और इस बीच एक बार आप लेके आइएगा, हाँ, मतलब निफ्टी आईटी मूव स्ट्रांग है यहाँ पर। अच्छा, चलिए पहले ट्रेड्स पूरी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। विकास जी, आपके ट्रेड? अच्छा, माफ कीजिए। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स? FMCG से ही मुझे लग रहा है मैरिको में भी मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 657 के लेवल पर है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 652, 666, 670 के प्राइस टारगेट के लिए मैरिको को देखना चाहिए FMCG से। अपार्ट मुझे लग रहा है कोल इंडिया, यहाँ पर अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 509 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 520 and 26। इन अ डे और टू का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 502 का। ओके, अच्छा, कोल इंडिया आपने कॉल दी मेरी, मुझे इस बात पर आई थिंक एकदम ये आपने कॉल ले ली राजेश पालवी जी की। राजेश जी, कुछ देर पहले आपकी कॉल थी ना ये कोल इंडिया, ये कविता जी ने कैरी कर ली। आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे अभी? जी वीरेन जी, तो काफी अच्छा मोमेंटम है कोल इंडिया में और अभी लगता है यस वो टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, और उसमें हमें OMC में हिंद पेट्रो यहाँ पे पसंद आ रहा है। लॉन्ग बिल्टअप के साइन है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम बना हुआ है। तो हिंद पेट्रो फ्यूचर पे अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 370-375 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 353 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है कोलगेट पामोलिव।
कल क्लोजिंग शो में हमने एफ&ओ सुपरस्टार में ये स्टॉक रिकमेंड किया था, आज अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए, यहाँ पे 3200 तक की अपसाइड कोलगेट पामोलिव में आते हुए दिख सकती, तो कोलगेट पामोलिव यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 3098 के आसपास। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट अभी अभी कॉल में शामिल था, डे हाई पर, क्या गजब, इंफोसिस डे हाई पर, लुक एट इंफोसिस 2744, एक बार इसको 2747 हो गया, अब ये अपने पिछले 3 दिन की शेडोज को बाइसेक्ट करता हुआ। राजेश जी आप ही टेक दीजिएगा, किसी ऑप्शन या फिर फ्यूचर से आप लेंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी अब 325 अंक ऊपर, अभी हम जाएंगे तो मैं बातचीत दोबारा शुरू करूंगा, डे हाई पर, ये एम्फेसिस पे आपका टेक। बिल्कुल वीरेन जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और मिड कैप आईटी की चाल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को लग रही है, और एम्फेसिस पे हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम बना, ये अब जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनते हुए दिख रहा है वो करीब 2840-2850 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ से लगता है एटलीस्ट 100 रुपए की चाल यहाँ से आते हुए दिखेगी, तो जिनके पास भी ट्रेड है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2720 के आसपास। मूव 100-100 रुपए के वाइल्ड स्विंग की टिप्पणी, अनुज क्या गजब समय पे स्पॉटिंग हुई वो इंफोसिस की, निफ्टी आईटी अब 325 अंक ऊपर, गजब मूव। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा